सो गाइस, मेरा ये दशहरे का ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि अभी तक हमारी दशहरे खत्म नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है, पर हमारी दशहरे नहीं खत्म हुई है। अभी हम जा रहे हैं टिक्का लगाने बच्ची के घर, और मेरे साथ है मेरी बैला। बैला भी जा रही है। पहले हमें एक बच्ची के घर जाना है, फिर हमें अपनी नानी बच्ची के घर जाना है छिद्दर वाला, और यहाँ सब रेडी है जाने के लिए। हेलो, आ रहे हैं गाइस हम छिद्दर वाला, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। बोलिए, रात हो गई भाई, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं टिक्का लगाने के लिए, मेरे तो ऐसे सांस फूल रही है। चल चल चलो गाइस, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। यहाँ पे सब जाने के लिए रेडी हो गए। सो गाइस, हम लोग का देहरादून का दशहरा तो खत्म हो चुका है, और अब हम हैं रास्ते में, ऑन द वे टू छिद्दर वाला। और हम सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, बहुत नींद आ रही है हम लोगों को। ऐसा हो रहा है कब पहुंचेंगे, क्या बोल रहे हैं ऋषि? कछुए जैसे चल रहे हैं। और गाइस देखो, मेरी बैला भी जा रही है मेरे साथ, क्या मजे से लेटी है ये, इसको भी मजा आ रहा है, एंजॉय करते हुए जा रही है। अभी तो शांत बैठी है, अभी तक इतना हल्ला कर रही थी, इधर चल रही उधर चल रही, अभी शांत बैठी है, और मुझे तो नींद आ रही है। चलो गाइस, जब मैं छिद्दर पहुंच जाऊंगी आपको तब मिलूंगी, और फिर दिखाऊंगी कि क्या क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे। सो मेरे साथ बने रहना, बाय बाय। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी नानी बच्ची के घर में, और नानी बच्ची के घर में पहुंचने की एक्साइटमेंट तो अलग ही है। और यहाँ मिलो मेरे बच्चे पार्टी से। ये क्या था भाई? मेरा साइन क्यों? क्यों चाहिए मेरा साइन? मेरे पास पेन नहीं है। ये लोग तो कॉमेडी कर रहे हैं, बोल रहे अपना साइन देते, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी ब्लॉगर बन चुकी होंगी, बच्चों की बातें सुन रहे हो। ये तो नोटबुक निकालने से तो कमर से आज क्या हो गया, इन लोगों को ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे लग रहा है दशहरे की। और बेचारी मेरी बैला तो बम की आवाज सुन के डर चुकी है। गाइस की हार्ट बीट ठीक है, इसका क्या करूं? यहां पे लिख दो हम दोनों। हां हां, यहां पे लिख दो। बड़ा इनको क्या हो गया? हां तो करा। सो गाइस, बच्चों की खुशी के लिए मैं दे रही हूं। ये मुझे कैसे हो? नाम आई चू ना। हेलो हेलो, आज सारे बच्चे में ऐसे दिख रहे हैं, न्यू बॉर्न इतने सारे बच्चे। क्या नाम है इसका? कृषिम। हेलो कृषिम, हाय। हाँ अच्छा है, नाम सही से कृषि सिब्बू से नहीं लग रहा, शिव शिवराज शिव। मैंने अपने नाना बाजे बजी और से भी टीका लगा लिया है, और अब मैं अपना फोन थोड़ी चार्ज में लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह से फोन चार्जिंग में नहीं लगाया, और अब इसकी बैटरी भी पूरी खत्म हो चुकी है।
फिर जब पूरा फोन चार्ज हो जाएगा देन उसके बाद मैं अपना ब्लॉग दोबारा स्टार्ट करूंगी, आप मेरे साथ बने रहना। भाई छिद्र वाले में भी बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ हम लोग को टिक्का लगाने जाना है, और एक घर में तो लगा लिया नानी बजी और क्या। और अब आए हैं हम, और मेरी लैंग्वेज भी इतनी इधर उधर हो रही है ना, दिमाग खराब। सो यहाँ पे हम आ गए अब दूसरे घर में, दूसरी बच्ची के घर में। क्या हुआ इसका? और यहाँ पे दोबारा टिक्का सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। ऋषि क्या हुआ? नाम रोशन करना मम्मी पापा को, वो पढ़ाई करना काम तो होगा, मेहनत कर जैसा काम लो अच्छा So guys, that's why बनाते बनाते हम पहुंच चुके हैं यहाँ डांस करने। बच्चों की मस्ती देखो, रात भर भी खत्म नहीं हो रही है, इतना खेल रहे हैं ना ये लोग, इनको नींद ही नहीं आ रही है तब से। नींद नहीं आ रही। किसने धक्का दिया आपको? धक्का क्यों दे रहे हैं? चलो सो जाओ जाके, इनका दशा ही नहीं खत्म हो रखा अभी तक, पूरी मस्ती इन लोग को छा रखी। आरोही डांस करके दिखा दो। अच्छा किसमें डांस करा था आपने? नहीं नहीं, जो आपने डांस करा था थोड़ा सा डांस तो करके दिखाओ, जैसे गोरखा सुधार सभा में करा था। आओ एक बार ऐसे नहीं, अच्छे से इधर अच्छे से करके। गुड। चलो सो जाओ अब जाके। लोग दशहरे का टिक्का लगाते लगाते डांस करने घुस गए थे, क्योंकि कल है मेरी छामी की हल्दी और मेहंदी और परसों उनकी शादी, पर इंजॉयमेंट आज से शुरू हो चुकी है। सब वहाँ पे डांस कर रहे थे, सो हमें भी बुला लिया वहाँ डांस करने, हम लोग भी डांस करने चले गए। और गाइस यहाँ बहुत सारा बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल में सब रिलेटिव आ रखे होते हैं, मतलब बहुत लोग आ रखे होते हैं, तो हल्ला होता है, वो आप मैनेज कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और मैं शादी का ब्लॉग भी बनाऊंगी, सो आप मेरे चैनल में बने रहना और सारे ब्लॉग्स और इन्जॉय करना। और दशहरा तो मेरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी एक दो घर बचे हैं, पर मैंने सोचा कि यहीं ब्लॉग एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा और सेम चीज़ क्या दिखाना, हर जगह टिक्का ही लगा रहे हम लोग। और अभी मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, 10 बजने वाले हैं और बहुत थक चुके हैं हम, क्योंकि सुबह से भागदौड़ हो रही है। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में भी जल्दी उठना है, जल्दी उठ के सब जगह टीका लगाने जाना है, उसके लिए फिर हल्दी हाथ के लिए भी तैयार होना है। सो बहुत हेक्टिक डे होने वाला है कल का भी, और फिर परसों भी हेक्टिक डे ही होने वाला है क्योंकि शादी है। सो गाइस ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मुझे बताना कि आपको ये दशहरे के ब्लॉग कैसे लगे। आई होप कि आपको पसंद आएंगे, अच्छा लगा होगा और कुछ अलग देखने के लिए मिला होगा आपको, कि हम लोग मतलब दशहरे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे दशहरा मतलब नेपाली और ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, और सबने तो नॉर्मल होता है, पर नेपालियों का थोड़ा अलग होता है, ऐसे चावल का टिक्का लगाना और ये हरियाली लगाना बस। और गाइस मैं यहाँ वीडियो यहीं एंड करती हूँ, होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, बिना तो मत जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।